मधुबन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं शानी और आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। बक्सर में श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी समिति द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि महावीर मंदिर के राम जानकी दरबार में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई। वहीं राम भक्तों के माथा पर तिलक, सर पर भगवा और हाथों में रामनवमी झंडा लेकर पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ धार्मिक संगठन के लोगों ने मनोहर झांकी, गांजे बाजे और विशाल जन्मासन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। और आज के दिन शीतलावादी आराधना की बड़ी ही सर्वोच्च और ऊंची परंपरा पटना सिटी में सतवानी के मौके पर सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। साथ ही सत्तू मिट्टी का बर्तन आम बेल गंगा स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को दान स्वरूप भेंट किया। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही अन्नपूर्णा की भंडारण और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अच्छा, तृतीया का दान करने का महत्व है, वही आज के दिन है। सत्तू दान किया जाता है, आम दान किया जाता है, पानी भर के घड़ा दान किया जाता है, मीठा दान किया जाता है। यही हम लोग महत्व जान करके आते हैं और क्या, सब कोई आते हैं दिल में आस्था लेके कि गंगा स्नान करने से कुछ न कुछ फल मिलेगा। गंगा स्नान का महत्व जो है कई वर्षों से, कई सालों से, कई जमाने से चला आ रहा है। वो सतवानी गंगा स्नान का मेन पर्व सतवानी है, पर्व है। और इसमें दान जो है, जल दान है, घड़ा दान है, फल दान है, सत्तू दान है और अन्न दान है। मधुबनी खुटैना फूल परास मेन रोड पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि मृतक ने भाई की इस हत्या में मृतक के वैसे सहयोगियों को संलिप्तता बताई है जो अलग अलग काम के लिए उसके भाई से पैसे लिए हुए थे। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाजीपुर बछवाड़ा रेल खंड के सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। सोनपुर जंक्शन से सोनपुर बरौनी पैसेंजर गाड़ी सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पार करने के दौरान रेलवे लाइन दोहरीकरण में लगे पोकलेन मशीन से जा टकराई। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिस दौरान रेल यात्रियों को हल्की चोटें भी आई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। नालंदा में हरनौत थाना पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को देसी कट्टा, पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि हरनौत थाना इलाके में बंधन बैंक के कर्मी से 20,000 रुपए और मोबाइल की लूट हुई थी। इस लूट कांड का उद्भेदन करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। बहुत जरूरी था, ये भी पकड़ा गया है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये कल्याण भीगा हरनौत का भी केस का उद्भेदन हो गया। इसमें एक भागन भीगा में भी केस हुई थी, वो भी, और नूसराय का भी लूटकांड में भी इन लोग शामिल। क्या क्या बरामद? बरामद में आप देख रहे हैं एक देसी कट्टा है, एक पिस्टल है और 3 मोबाइल फ़ोन, एक चाकू और 5 खोखा बरामद हुआ, 3 जिंदा कारतूस है इसके अलावा। खास खबरें बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 1 11। नमस्कार।